नमस्कार दोस्तों, आरएस प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना 2016 में खिताब अपने नाम करने वाली सनराइजर हैदराबाद से होगा। दोस्तों, दोनों ही टीमों के बारे में एक बात समान है, दोनों ने ही इस टूर्नामेंट में हार के साथ शुरुआत की है। डेविड वार्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल के पहले मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों 10 रन की करीबी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ 49 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम अब केकेआर की बात करते हैं तो उनके विदेशी खिलाड़ी इस मैच में अपनी चमक बिखरे, क्योंकि इस मैच में कई स्टार खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। टूर्नामेंट में सबसे महंगे तेज गेंदबाज कमिंस ने मुंबई के खिलाफ अपने 3 ओवर में 49 रन लुटा डाले और बल्लेबाजी में ईएन मॉर्गन और आंद्रे रसेल जैसे धुरंधर खिलाड़ी जल्द ही पेविलियन लौट गए। दोस्तों, सो टीम की कोशिश, दिनेश कार्तिक की केकेआर टीम ने प्लेइंग 11 चुनी तो सही, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। दोस्तों, एक बार फिर केकेआर के बल्लेबाजी क्रम में कुछ गड़बड़ियां दिखी। लगभग 200 रन के स्कोर का पीछा करते हुए टीम के प्रमुख बल्लेबाज ईयन मॉर्गन एंड आंद्रे रसेल को 5वें और 6ठे नंबर पर भेजने का